नमस्कार, सुनिए सुविचार अद्विति के साथ। समस्या कई रूप स्वरूपों की जिंदगी में आए दिन दस्तक देती रहती है, कभी दुख के रूप में, कभी तकलीफ के रूप में, कभी कष्ट के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में, कभी धोखे के रूप में, कभी पिछड़न के रूप में। इन समस्याएं या समस्याएं हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी मकसद से आती हैं और उस मकसद को पूरा किए बिना नहीं जाती है। हम इसे समझे बगैर यह सोचने लगते हैं कि ये समस्याएं मुझे ही क्यों आई, यह समस्याएं मुझे ही क्यों आई, यह मुझे ही क्यों तकलीफ़ दे रही है, यह किसी और की ज़िंदगी में क्यों नहीं आई, मैं समस्याओं का क्या करूँ, कैसे निवारण करूं मैं इस समस्या का, कैसे निपटूं मैं इस समस्या से। इन समस्याओं के वक्त हम कभी कभी यह भी सोचने लगते हैं कि हे ईश्वर, कोई साथी दे दे, कोई सहारा दे दे जो मुझे इस समस्या से निकाल दे। और उस वक्त हम अपने ईश्वर को ही कहीं ही याद करना भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपका ईश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको लगता है कि जिंदगी अंधेरे की ओर जा रही है, सब कुछ निराशा भरी धुंध में छुपा दिखाई पड़ने लगता है। हम खुद को कोसने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, परमात्मा को बोलने लगते हैं कि तूने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। और इन सब के बीच समस्या का निवारण निकालना ही भूल जाते हैं और समस्या को और बड़ा बना देते हैं। समस्या शब्द का सटीक निवारण है, उसे समस्या ही नहीं समझना। जब आप समस्या को समस्या ना समझकर अपने परमपिता परमात्मा की इच्छा समझने लगें, तो समस्या समस्या ही नहीं लगेगी। आप यह समझने लगें कि यह आपके पिता का कोई इशारा है, आपका पिता कुछ इशारा कर रहा है आपको, वो आपको कुछ संकेत देना चाहता है। जिस क्षण आप पिता के इशारे को समझ जाएं, आप समझ जाएं कि आपका पिता आपसे क्या कहना चाह रहा है, उस क्षण खुद ब खुद आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जब आप अपने पिता के इशारे को समझ जाएंगे, तब आप उस समस्या का पॉजिटिव साइड देखने लगेंगे, उसमें अच्छाई खोजने लगेंगे, तब आपकी समस्याएं खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेंगी, आपको उस समस्या से निजात पाने की रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी, धुंध छटता हुआ प्रतीत होने लगेगा, एक नई रोशनी की अनुभूति होने लगेगी, एक उम्मीद भरी सुबह आपका इंतजार करती नजर आ रही होगी, सब अच्छा होने लगेगा, सब सुखद होने लगेगा, समस्याओं के बादल छटते नजर आने लगेंगे। यह समस्याएं क्षण भंगुर होती हैं, क्षण में आती है और क्षण में चली जाती हैं। यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे टैकल करेंगे, आप उससे कैसे लड़ेंगे, आप कैसे उसके सामने डटकर खड़े होंगे। समस्याएं बुलबुले जैसी होती है, अगर आप इस समस्या भरे बुलबुले को संजो कर रखते हैं, तो आप ना ही इसका निवारण निकाल पाएंगे और ना ही इससे मुक्त हो पाएंगे। इस बुलबुले रूपी समस्या से निजात पाने हेतु आपको इस बुलबुले को नष्ट करना होगा। अब यह बुलबुला फूटेगा कैसे, कैसे निवारण होगा आपकी समस्याओं का? यह होगा तब जब आप खुद पर तथा उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, अपने आप से सवाल जवाब करेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ,
मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा परम पिता किस ओर इशारा करना चाहता है? मेरा पिता क्या चाहता है मुझसे? इन सारे सवालों के बीच अपने पिता यानी परम पिता परमात्मा से सवाल करें, उनसे सलाह मांगे। आपका पिता आपके सवालों का जवाब ज़रूर देगा, आपको रास्ता भी दिखाएगा, आपकी सहायता भी करेगा। क्योंकि जो रिश्ता पिता और उसकी संतान का होता है वह किसी भी समस्या से परे होता है, वह किसी भी समस्या से ऊपर होता है। हे ईश्वर, हर एक को शक्ति दे कि वह हर कठिनाई का सामना कर सके, अपनी समस्याओं से सीख सके, अपनी समस्याओं से डट कर लड़ने की क्षमता प्रदान कर उसे। हे ईश्वर, अपने बच्चों पर अपनी निगाहें, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना।